संडे का दिन जो था पवित्र दिन था, हफ्ते भर में हमने क्या किया है, कौन सी गलतियां की है, कहाँ पे हमने अच्छे काम किए, ये सारे वचन जो है हमें संडे के दिन जो है हमें मिलते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे बात करता है उस दिन जब हम परमेश्वर घर में आते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है हमारी कमी घटियों में, परमेश्वर अपने वचन से हमें पूरा करता है। उस दिन हमें पूरी रीति से आशीष मिलती है क्योंकि हम विश्राम दिन के को मानते हैं और परमेश्वर के घर में जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं विश्राम दिन के दिन भी अपना टाइम नहीं निकाल पाते, गाने छूट जाते हैं, प्रार्थनाएं छूट जाती हैं, आराधना छूट जाती है, वचन भी कभी कभी आधा छूट जाता है। हे भाई और बहनों, इसलिए उनके जीवन में जो है पूरी रीति से आशीष नहीं पाते हैं। वो अगर आशीष नहीं पाएंगे तो उनके बच्चे भी आशीष नहीं पा सकते हैं। हे भाई और बहनों, माता पिता अगर आशीष पाएंगे तो उनके बच्चे भी जो है बहुत सारी आशीष और भी ज़्यादा आशीष पाएंगे। अगर हम विश्राम दिन को पवित्र करके उसमें कामकाज अपना अपनी मर्जी ना करके परमेश्वर के जब घर में आएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि विश्राम दिन को जो है तो पवित्र करके मानना, इसे याद रखना, इसे भूलना जाना कहा है। कभी कभी हम संडे है करके इस चीज़ को भी भूल जाते हैं। जब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब शनिवार तक दिन रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि हम काम को जा रहे हैं और काम पे टाइम से तैयार होकर चले भी जाते हैं। लेकिन जब आता है विश्राम का दिन, पवित्र दिन आता है, आशीष का दिन आता है, वही दिन जो है हमारे जीवन में दुखदायी जीवन हो जाता है। लेट उठते हैं, लेट ब्रश करते हैं, लेट नहाते हैं, लेट परमेश्वर के घर में पहुंचते हैं, लेट वचन सुनते हैं और आशीष भी हमारे जीवन में इसीलिए लेट आती है क्योंकि हमने विश्राम दिन को जो है पवित्र करके नहीं माना है। हे भाई और बहनों, आज संडे है, आज परमेश्वर इस संडे में हमसे बात कर रहा है, वो अपने वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आपने अपने विश्राम दिन को पवित्र करके माना? क्या आप अपना सारा काम काज छोड़ के परमेश्वर के घर में आराधना के लिए आते हो, रोटी तोड़ने के लिए आते हो, वचन सुनने के लिए आते हो कि नहीं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज नवे साल में परमेश्वर हमें लेके आया है। नवे साल में पहले संडे में परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत दिन से हम परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बहुत दिन से हम संडे जो है चर्च में भी नहीं आ पाए हैं। कि कारण इसलिए क्योंकि काम में मैं बिजी था। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि 6 दिन तक काम करो, 7वां दिन जो है मेरा है। कई लोग जो है ऑफिस का काम भी घर में लाके जो है पूरा करते हैं, संडे के दिन बैठ जाते हैं काम करने के लिए ताकि हम काम और कर सकें। हे भाई और बहनों, अगर हम सोचेंगे कि संडे के दिन थोड़ा सा काम कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, भाई और बहनों, ये हम बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। अगर संडे के दिन काम करके हम सोचते हैं कि हमारा काम आसान हो जाएगा तो भाई और बहनों, ये शैतान की एक चाल है। वो अगर संडे के दिन हम सोचते हैं कि काम करके थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन बाद में यही काम हमारे लिए मुश्किल का कारण भी हो जाएगा। कारण इसलिए क्योंकि ये दिन जो था परमेश्वर का दिन था, ये दिन जो था आराधना का दिन था, ये दिन में मैं आराधना का दिन, परमेश्वर के दिन, परमेश्वर के चुने हुए दिन को छोड़ के अपना काम काज करूंगा, तो भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में जो है आशीष कैसा आ सकती है? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि 6 दिन तू परिश्रम करना और अपना काम काज सारा कर लेना, पर 7वां दिन जो है मुझे दे देना। हे भाई और बहनों, क्या आप 6 दिन तक काम करके 7वां दिन क्या आप परमेश्वर को दे पा रहे हो?
के नहीं, इस परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जो लोग सातवां दिन परमेश्वर को दे देते हैं, परमेश्वर के घर में पहुंचते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, रोटी तोड़ते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर जो है आशीष से भर देता है, क्योंकि उस विश्राम दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है और आशीष का दिन ठहराया है। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी परमेश्वर ये नवे साल में आशीष भर देना चाहता है।